अभी 700 की बड़ी खबर था, वो भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि बीजेपी दलित विरोधी है। तो उन्होंने सवाल किया, अगर बीजेपी दलित विरोधी है तो कई सारे दलित समाज के नेता जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और पहले भी मंत्री पद पर रहे हैं और अभी भी हैं, तो भीम आर्मी चीफ ने कहा कि वो जो मंत्री पद पर हैं तो उनकी क्या बीजेपी के सामने बोलने की हैसियत है, क्या वो समाज की आवाज़ उठा सकते हैं। भीम आर्मी चीफ ने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती की घोटाला हुआ है, तो वहाँ बहुत सारे पिछड़े मंत्री है, लेकिन क्या उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि हमारे समाज के बच्चों का हक क्यों खा रहे हो, उन्हें उनका हक दिया जाए। तो भीम आर्मी चीफ ने कहा कि वो वहाँ पर भले ही हो लेकिन वो समाज की आवाज़ नहीं उठाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हैं। भीम आर्मी चीफ ने कहा कि जिन लोगों को, जिस समाज का सदियों से शोषण किया है, उस समाज की स्थिति में सुधार हो, हम उनके लिए आए हैं, इसीलिए हमने ये दल बनाया है ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो। जो SC ST OBC माइनॉरिटी है उनकी स्थिति में सुधार हो, इसलिए हमने दल बनाया है। तो भीम आर्मी चीफ ने कहा कि हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, हमारी लड़ाई सिर्फ मंत्री या MLA बनने की नहीं है। भीम आर्मी चीफ ने कहा कि अगर मैं किसी पार्टी से MLA या मंत्री बनना चाहूँ तो मुझे कोई दिक्कत आएगी नहीं, दिक्कत आएगी, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि SC ST OBC जो माइनॉरिटी है और SC ST OBC है उनकी स्थिति में सुधार हो, ये व्यवस्था परिवर्तन हो। जय भीम साथियों।